न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने कॉरपोरेट जगत में बतौर महिला एक सफलता की नई कहानी लिखी, जिन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने मजबूत इरादे और दूसरों से कुछ अलग करने की चाहत ने उन्हें एक पहचान दिलाई जो हम सबके लिए एक मिसाल बन चुकी है। इस शख्सियत का नाम है स्मीनू जिंदल। स्मीनू जी अपनी संस्था स्वयं फाउंडेशन के जरिए पिछले 16 वर्षों से एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल नाम से एक मुहिम चला रही हैं। ये मुहिम क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी बातें विस्तार से करेंगे स्मीनू जिंदल जी से। स्मीनू जी आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे। स्मीनू जिंदल जी आपने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि एक्सेसिबिलिटी से क्या मतलब है। एक्सेसिबिलिटी अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो दो शब्द हैं जी, सुविधा और सुरक्षा। जब हम कभी कहीं रास्ते पे जाते हैं और कोई भी बिल्डिंग में घुसना चाहते हैं तो वो सुरक्षा और सुविधाजनक हो। मान लीजिए कि मैं एक बुज़ुर्ग महिला हूँ और मैं सीढ़ियाँ बहुत सारी नहीं चढ़ पाती हूँ बिना सपोर्ट के, तो उस पर अगर रेलिंग हो तो उसको एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। अगर रैंप हो कहीं पर, उसको साथ में रेलिंग हो, तो बुज़ुर्ग लोगों से लेकर प्रेग्नेंट वेमेन, छोटे बच्चे और ऑफ कोर्स जो विकलांग हैं वो उसके लिए बहुत सब चीज़ साधना सुविधा हो जाती है। उस साधना को सुविधाजनक बनाने के लिए टर्म ऑफ एक्सेसिबिलिटी इस्तेमाल किया जाता है। मैम आपने अभी जिक्र किया विकलांग शब्द का, मोदी साहब ने मन की बात में कहा था कि विकलांग की जगह आप दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल कीजिए, इस पर आपकी क्या राय है? दिव्यांग बोलने से लोगों में गलत धारणा भी पैदा होती है, उनको लगता है मेरे में कोई दिव्य शक्ति आ गई है और मैं अपने आप ट्रेन में बैठकर नहीं उड़कर पहुंच जाऊंगी, सीढ़ियां चढ़कर नहीं उड़कर चल जाएंगे, तो उस तरह की धारणा से फिर लोग गुमराह होते हैं। या मैं बहुत अच्छी या मैं बहुत ख़राब, मैं सिर्फ एक इंसान क्यों नहीं हो सकती, मैं भी बुरी और अच्छी दोनों हो सकती हूँ एक आम आदमी की तरह। विकलांगों के लिए खास वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आरक्षण से ही सब कुछ संभव नहीं होगा? देखिए आरक्षण अगर हम जॉब्स की बात करते हैं या हम स्कूल में आरक्षण की बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को आपको एडमिट करना पड़ेगा, तो भी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करे हुए स्कूल में रैंप अपने आप नहीं बन जाएंगे, स्कूल में पहुँचने के यातायात अपने आप सुविधाजनक नहीं होंगे, एक्सेसिबल बाथरूम अगर स्कूल में नहीं होगा तो जो इस तरह का बच्चा है अगर वो स्कूल नहीं जा सकता तो वो कॉलेज तो उसके लिए सपना है, जॉब मांगने के लिए आएगा कहाँ से, ना उसके पास वो कैपेबिलिटी है, ना आपने उसके उस हुनर को संवारा है एक ट्रेनिंग देके, एक फॉर्मल ट्रेनिंग देके, तो आप जॉब का आरक्षण देकर भी एक बेमाना सा एक आरक्षण है। सुविधाजनक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, काम वो अपने आप ढूंढ लेंगे। 16 वर्षों पहले आपने एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल की मुहिम की शुरुआत की थी, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, ऐसी कौन सी घटना थी, कौन सी बात थी जिसने आपको प्रेरित किया? देखिए आप देख तो पा रहे हैं कि मैं व्हीलचेयर पर हूँ, मैं 11 साल की थी जब मुझे ये एक्सीडेंट हुआ और जैसे जैसे बड़े होते गए तो रियलाइज़ किया, क्योंकि जब छोटे होते तब पता नहीं होता कि पेरेंट्स ने क्या तकलीफ़ देखी एक्सेसिबल करने के लिए ताकि मैं एक रोज़ बच्चों की तरह स्कूल जा सकूं। मैंने SRCC से अपना BCom ऑनर्स किया, बाद में MBA किया। उस दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि अगर हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्कूल्स हैं, आने जाने के यातायात के जितने भी वाहन हैं, अगर ये एक्सेसिबल होते सभी के लिए तो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि जो बहुत सारे आम आदमी हैं जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं उनको भी जीने की एक आस होती, एक कुछ करने का एक मौका मिलता और वो भी अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी पाते। मैम शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आई, शुरुआती जो दिन किस तरह के थे, संघर्ष किस तरह से था और क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही थी? देखिए आज भी हम एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है ये समझ रहे हैं, तो उन दिनों भी इस बारे में कि एक फीलिंग थी लोगों में कि एक्सेसिबिलिटी या रैम्प बनाना या इस तरह के कार्य करना एक सोशल मॉडल के अंदर आता था, एक चैरिटी बेस्ड मॉडल कि हम ये
चैरिटी के लिए करें, तो चैरिटी आप कब करते हैं? जब आपके पास टाइम और पैसा दोनों थोड़ा सा अधिक मात्रा में हो। लेकिन ये एक विकास का इशू है जो उस वक्त भी बहुत दिक्कत होती थी मुझे लोगों को बताने के लिए कि ना सिर्फ मेरी व्हीलचेयर में इसमें आसानी होती है, पर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको गठिया का दर्द, आर्थराइटिस, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कार एक्सीडेंट, या फिर वो जवान जो आपके लिए सरहद पर जाता है लड़ने के लिए और एक गोली की वजह से वो अपना कोई अंग खोकर आपके पास वापस आता है, कभी कभी उस जवान को लगता होगा कि मैं उधर शहीद हो जाता तो बेहतर होता, फैमिली को तब भी पेंशन मिलती, मुझे एक मेडल मिलता, आज एक अधूरा जीवन मिलता है, पेंशन ज़रूर मिलती है पर अधूरा जीवन। वो चीज़ अगर उस वक्त भी लोग समझते या आज भी हम समझें तो कितने सारे लोगों को हम एक्सेसिबिलिटी, सुगम्यता, सुविधा और सुरक्षा देने से कैसे लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आज भी अपने दम पर जी पाएंगे। मैम, आप एक सफल बिजनेस वूमेन हैं, आप अच्छे परिवार से हैं, सक्षम हैं, सब सब सुविधाएं आपको मिल रही थी, इसके बावजूद आपने तय किया दूसरों के हक की लड़ाई लड़ना। ये इसके पीछे आपने क्या सोचा कि क्यों दूसरों के लिए? आप चाहती तो आप आराम से अपनी लाइफ जी सकती थी। एब्सोल्युटली जी सकते थे, लेकिन वो तो जानवर भी करता है, हम इंसान हैं, हमें संवेदनशील होना चाहिए, दूसरे आदमी के लिए कुछ कर सकें यही जज्बा के लिए शायद प्रभु ने हम सभी को धरती पर भेजा है। हम जब ख्याल आया कि एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल की लड़ाई लड़नी है, आपको क्या क्या खामी इस व्यवस्था के अंदर नजर आई सबसे पहले? सबसे पहले जी अवेयरनेस, जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की वजह से ये जो चीज़ एक आम आदमी के सामने आई है इसके अंदर अवेयरनेस अभी भी नहीं है। आदमी को लगता है एक्सीडेंट मुझे कभी होगा नहीं, बीमारी चार घर छोड़ के आती है और मौत तो 15 घर बाद आती है। उस चीज़ को, एक्सेसिबिलिटी को आज हर रोज़ के आदमी के साथ जुड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। बुज़ुर्ग महिला, बुज़ुर्ग आदमी को उतनी ही सुगम्यता की ज़रूरत है जितनी कि एक विकलांग को है या एक प्रेग्नेंट औरत को है या एक बच्चे जिसने हड्डी तोड़ ली अपनी खेलते खेलते उसको है। तो जब ये अवेयरनेस मेरे माता पिता के लिए उतना इम्पोर्टेंट है, मेरे दादी दादा के लिए उतना इम्पोर्टेंट है, जब ये आप और हम सबका विषय बनेगा, जी वो अवेयरनेस हमें एक लानी है, वो जागरूकता आम आदमी में लानी है कि ये सिर्फ चैरिटी का इशू नहीं है, ये हम सब लोगों का जीने का इशू है, विकास का इशू है। मैम, एक जागरूकता लाने के लिए आपका, संस्था का, हमारा, सरकार का क्या रोल होना चाहिए और इंक्लूडिंग आम आदमी का क्या रोल होना चाहिए जागरूकता लाने के लिए? हम सब अपने अपने ढंग से बहुत सब काम कर सकते हैं। जब हम लोग ने कुछ चीज़ें को सुगम्य या सुविधाजनक बनाया था जैसे बस्क्यू शेल्टर्स, तो हमने वहाँ पर रैंप्स दिए थे ताकि बस्क्यू शेल्टर में आप जा सको, वहाँ से आप लो फ्लो बस में जा सके और अपना यातायात को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वो रैंप्स जो थे वो आम आदमी ने अपनी मोबाइल चलाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब एलिवेटर्स होते हैं और हमारे साथ में कोई आदमी होते हैं जो व्हीलचेयर बाउंड हो या जो बुज़ुर्ग हो या जिनको कोई तकलीफ़ हो, हम उनकी परवाह नहीं करते हुए भी हम लिफ्ट के अंदर पहले खुद धक्का करके घुस जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ये आम नागरिक कर सकता है कि अगर रैंप्स हैं तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। कहीं पर आपने देखा रैंप है उसके आगे अपनी गाड़ी पार्क मत करिए। कभी कोई आदमी को आप ऐसा करता देखें कि एक बुज़ुर्ग महिला को धक्का देके एक जवान आदमी लिफ्ट में पहले घुस गया, तो अपनी आवाज़ उठाइए, बोलिए, समझाइए, लड़ाई मत करिए पर बोलिए। कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये भी एक सिविक सेंस से जुड़ा मामला है कि कुछ हम प्राथमिकता में कुछ एब्सोल्युटली लोगों को देनी चाहिए पहले। एब्सोल्युटली। और ऑफ कोर्स जब हम हमारे अंदर ये सिविक सेंस आएगी और हम गवर्नमेंट को भी ये डिमांड करेंगे, आज हम बोलते हैं कि हमें रास्ते चाहिए तो उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए, पर आप बताइए क्या आम आदमी, चलता फिरता आदमी आज एक रोड को क्रॉस कर सकता है आसानी से? उसके साथ अगर दो छोटे बच्चे हों क्या सेफ फील करता है क्रॉस करते हुए? नहीं। उस चीज़ों के लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि हमें एक्सेसिबल रोड्स भी दीजिए। आज जब हम इस तरह के शहरों में रह रहे हैं जहाँ पर हमें ऑड इवन के बारे में बात करनी पड़ती है क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, तो हम चल क्यों नहीं सकते? साइकिलें क्यों बंद हो गई?
हम अपने बच्चों को साइकिल चला के भी कहीं जाने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके रास्ते उस तरह से सुविधाजनक नहीं है, पेडेस्ट्रियन पाथवेज नहीं है। मेट्रो से बाहर निकलिए तो ऑटो वाले के ब्लैकमेल में आना पड़ता है, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। 1 किलोमीटर के लिए भी आज मैं जा नहीं सकती, मैं चल के नहीं जा सकती। हम सभी को गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो इसीलिए सबसे पहले वॉकेबिलिटी ऑफ अ सिटी मस्ट बी इम्प्रूव्ड। हमें सबसे पहले चलने की आदत, साइकिल चलाने की आदत, सिर्फ गाड़ी को चलाने के लिए रास्ते नहीं बने, उस चीज़ के लिए हमें डिमांड करना चाहिए। आपने सरकारी इमारतों, प्राइवेट बिल्डिंग्स का और जो टूरिस्ट प्लेस हैं उन सब जगह का मुआयना किया, किस तरह की खामियां वहाँ नज़र आई और आपने सरकार को रिकमेंडेशन भी दी, वो रिकमेंडेशंस क्या थी? एक रैंप बनाने से एक्सेसिबिलिटी नहीं होती जी, उसका ग्रेडियंट राइट होना चाहिए। ग्रेडियंट मतलब अगर रैंप, अगर रास्ता ऐसा है तो इतना रास्ता आदमी चला पाएगा, इतना रास्ता मदद से कर पाएगा, पर ऐसा संभव नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, आदमी गिर जाएगा और उसको तकलीफ होगी। तो हमने ये चीज़ों के बारे में बात करी। फिर एक एक्सेसिबल बाथरूम, बहुत ज़्यादा इसको जैसे एक्सेसिबल वर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। एक हर एक नॉर्मल बाथरूम को भी आप उस तरह का सुविधाजनक बना सकते हैं जिसमें हर आदमी को उसको इस्तेमाल करने के लिए आसानी होगी। किसी को अगर गोड़ों का दर्द है, उसको पूरा नीचे बैठना और उठना कितना तकलीफ दह होता है, शायद वो आदमी बेहतर समझता है जो इस चीज़ से गुजर रहा हो या जिसका बहुत प्यारा सदस्य इस चीज़ से गुजर रहा हो। तो अगर हम बाथरूम्स को एक्सेसिबल बनाएं और उस सुविधा को अवेलेबल कराएं आम आदमी को, उससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है और सुगम्यता आती है। आपने जो रिकमेंडेशन सरकार को दी थी उस पर क्या विचार किया गया? बहुत सब जगह उन्होंने उस चीज़ को अपनाया। कई बारी चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं लेकिन फिर उसके बारे में बताया नहीं जाता, अवेयरनेस नहीं होती, साइनेज नहीं होता कि ये रास्ता सुगम्य है, एलिवेटर इस तरफ है, वो लगाना भूल जाते हैं। राइट जगह पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एक गमले के पीछे छुप गई तो उसका मायने ख़त्म हो जाता है। तो उस तरह से हमने गवर्नमेंट को बोला, क्योंकि मेट्रो काफ़ी एक्सेसिबल है लेकिन उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी साइनेज मिसिंग है। तो हमने वो उनसे बात करी, हमने कुतुब मीनार को एक्सेसिबल किया, ताजमहल को किया, लाल किला को किया, आगे काफ़ी मॉन्यूमेंट्स है, जैसे हमने हैदराबाद में चार मीनार को देखा उनके लिए, अजंता एलोरा को हमने बात करी, नॉर्थ ईस्ट के कुछ मॉन्यूमेंट्स के भी हमारी आगे बातचीत चल रही है। लेकिन ये सब चीज़ों में बदलाव लाते तो हैं, साथ साथ उसको मेंटेन करने का जिम्मा हम सभी का है जितना गवर्नमेंट का है। बसों में वहाँ पर लिखा होता है कि महिलाओं को सीट दें, बुजुर्गों को सीट दें, लोग जानते हैं, अवेयर हैं इन चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी नहीं देते। तो क्या लगता है कि कोई कानून, सख्त कानून बनना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर? कानून तो बहुत हैं लेकिन आदमी को आदमी की कद्र होनी चाहिए, वो चीज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब हम अपने आसपास इस तरह की चीज़ देखते हैं हमें बोलना चाहिए, दूसरे आदमी को कम से कम शर्मिंदा तो होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया। उस चीज़ के लिए कई बारी हम आवाज़ उठाने में कतराते हैं लेकिन अगर हम सभी चुप होंगे तो बदलाव लाएगा कौन? मैम, एक्सेसिबिलिटी को लेकर विदेशों में दूसरे देशों की क्या स्थिति देखी है आपने? भारत से बेटर है क्योंकि वहाँ पर आदमी की सोच भी थोड़ी और है, अलग है। लेकिन इसलिए कहूँगी वो बेटर है क्योंकि वहाँ पर लोग इस एरिया पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आबादी भी थोड़ी कम होती है। अगर वहाँ पर जैसे इंडिया में हम सोचते हैं कि हमारी 25% जो पॉपुलेशन है उसको हम छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं, तो ये बाकी देशों के लिए ये मुनासिब नहीं है क्योंकि वहाँ पे कम थी पॉपुलेशन है। सभी लोग को काम करना चाहिए और सभी लोग को अपने देश के वो आगे ले जाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। वो सोच करके उन्होंने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस वो लेके आए हैं और भारत भी उसी तरफ बढ़ रहा है। आज हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ये मुहिम चलाई और हम सभी लोगों को अपने अपने ढंग से इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैम, आपकी संस्था एक्सेसिबिलिटी ऑल की एक मुहिम चला रही है, पूरा वीक मना रही है, तो आपको लगता है कि मतलब इस वीक जो पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है इसका कुछ असर होगा, लोग जागरूक होंगे, या और कितना काम करने की ज़रूरत महसूस होती है अभी?
काम तो देखिए अनगिनत है, बिकॉज़ जो मुहिम हमने चलाई है वो बहुत लिमिटेड ढंग से है, एक एक संस्था की चलाई हुई है। और भारत कितना बड़ा देश है, अभी तो रूरल इंडिया के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, गांव के बारे में कोई बात ही नहीं करता। क्या गांव में ये नहीं होता? गांव में क्यों नहीं होता? आज कोई नारियल के पेड़ पे से नारियल काटते हुए गिर जाए, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाए तो वो क्या करता है? जीने की उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन हमें वहाँ पर भी इसके बारे में सुगम्यता, सुविधा, सुरक्षा के बारे में बात करना चाहिए, और ये पॉसिबल है, इसकी तरफ काम करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, हाथ से हाथ मिलाओ तो आगे काम बढ़ते हैं। मैं उसी उम्मीद में बैठी हूँ कि आगे और आदमी जागरूक होकर अपने अपने ढंग से इस मुहिम के लिए कंट्रीब्यूशन करें। मैम, मीडिया अक्सर कई मुद्दों को उठाता है, इस मुद्दे पर मीडिया का क्या रोल होना चाहिए आपके नज़रिए में? देखिए, ये ऐसी चीज़ है जो आज तक चिरंतर काल से हमने इसको एक चैरिटी का इशू बनाकर एनजीओज ने पैसे बटोरे हैं, गवर्नमेंट से भी, लोगों से भी। तो बेचारा दिखाना एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ हो गई है। लेकिन आज अगर बेचारा का मायने थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मैंने चूज़ कर लिया कि मैं कोई काम ना करूं तो मैं बेचारा नहीं, लेजी हूँ। उसी तरह से हम जब अपने आसपास के रिड्यूस मोबिलिटी के लोगों को, अगर हम उनको घर पे बैठ के रोने का एक मौका दें तो वो गलत बात है, वो बेचारगी नहीं है, वो लेजीनेस है। उनको आप एक्सेसिबल एनवायरनमेंट दीजिए, हौसला दीजिए कि वो आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं, और उनको जीने की फ्रीडम दीजिए। मैं अगर पूरी ज़िंदगी काम करी और आज मैं रिटायरमेंट लेके घर बैठना चाहती हूँ, या घूमने जाना चाहती हूँ, पिक्चर देखना चाहती हूँ, अपने छोटे छोटे पोता पोती नाता नाती के साथ जू जाना चाहती हूँ, मूवी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को आर्थराइटिस है, तो मेरे लिए ज़िंदगी बंद क्यों हो जानी चाहिए? आज आप भी बूढ़े होंगे, आपके यहाँ पर जितने दर्शक हैं सब, एक ना एक दिन तो मैं चाहती हूँ 100 वर्ष की उनकी ज़िंदगी हो और वो उतना लंबा जिए। लेकिन अगर कभी रास्ते में, कभी इस ज़िंदगी के कोई मोड़ पर उनको कोई तकलीफ़ आए, तो जीने की उम्मीद किसी की भी नहीं छिन जानी चाहिए। हमें अपने आसपास के वातावरण को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाना चाहिए, ताकि कुछ भी हो जाए हमें अपने जीवन की, जीने की अपने ढंग से उम्मीद ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। ईंट पत्थर नहीं डिसाइड करेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी, आपके अपने हाथों में है, इसको चेंज करिए क्योंकि ये पॉसिबल है। मैम, इस पूरी मुहिम में शुरुआत से अब तक किन लोगों ने आपका साथ दिया, किन लोगों को आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे माता पिता, अगर उनका साथ नहीं होता तो आज मैं इतनी बड़ी भी नहीं होती, ना मैं आप लोगों के साथ बैठकर इस बारे में सोच रही होती। कहीं ना कहीं मेरी सोच में उनकी पूरा पूरा सहयोग है। मेरे परिवार के सभी जन, मेरे चाचा, मेरे चाची, मेरी दादी, मेरे बाबा जी, सभी ने मुझे एक मौका दिया, और मैं चाहती हूँ कि हम वो मौका हर आदमी को भी दे पाएँ, ताकि वो भी, उनके अंदर की प्रतिभा भी बाहर निकल जाए। मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की फैमिली, मेरे छोटे बच्चे, आई थिंक मेरे दोस्त, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुझ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं विश्वास नहीं किया, क्योंकि आज उन सब परिस्थितियों से गुजरने के बाद मैं हूँ, मेरी तकलीफ़ों के बावजूद और मेरी सपोर्ट के बावजूद, दोनों चीज़ मिलाकर आज मैं संपूर्ण हूँ। तो मेरे लिए वो सभी चीज़ें के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं इधर हूँ, आप लोगों के बीच हूँ, और आप लोगों का प्यार की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाती हूँ। मैम, आखिरी सवाल कि आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से दर्शकों से और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अवेयरनेस बहुत बड़ा पार्ट है इस कैंपेन का। जब तक ये चीज़ आपकी और मेरी नहीं होगी, किसी और की रहेगी, हम किसी और के लिए करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप और हम जानते हैं, चैरिटी बहुत लंबा लास्ट नहीं करती, ये एक जीने की उम्मीद है लोगों की। उनको आप एक टाइम की रोटी गिफ्ट मत करिए, उनको कमाने का जरिया गिफ्ट करिए, क्योंकि उस तरह से जिंदगियां बदलती हैं, एक आदमी की नहीं, पूरे परिवार की।
तो थोड़ा सा बड़ा सोचे और थोड़ा सा किसी के लिए कुछ करे। यही जज्बा एक जानवर से आदमी को इंसान बनने की प्रेरणा देता है। जानवर को जानवर बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इंसान को इंसान बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैम चलिए आपसे बातचीत करके हमको और हमारे दर्शकों का एक नज़रिया मिल रहा है कि बुजुर्गों, महिलाओं और विकलांगों को सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको सुविधाएं चाहिए और जो उनका हक है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बातचीत करने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर।